कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानक वासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मा समिति, महावीर भवन इंदौर। साधु को भी दिया, साध्वी को भी दिया, आपको क्या लगता है श्रावक और श्राविका को नहीं दिया होगा? आपसे पूछ रहा हूं मैं, दिया होगा नहीं दिया होगा? हाँ दिया होगा। कहाँ रखा आपने? हमने तो दिया हुआ संभाल करके रखा, भले हमने चेंज किया होगा लेकिन कम से कम दूध तो है, खीर बनाई होगी, गुलाब जामुन बनाए होंगे, लेकिन उसमें मूल चीज तो वही रखी है। तुम्हारा यूनिफॉर्म कहां पर है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप तो केवल जब स्थानक में आते हो तब जैन होते हो, जब मंदिर में जाते तब जैन होते हो, जब गुरु के पास रहते तब जैन होते हो, एक बार स्थानक से बाहर निकल गए, हु आर यू? कौन होते हो आप? बोलिए, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? पहचान होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? यस नो? बोलो नहीं, जोर लग रही है, डर लग रही है, कहते हमारा सब साधु का कपड़ा नहीं देते हुए, है ना? भगवान महावीर ने साधु को जो यूनिफॉर्म दिया, जो साध्वी को यूनिफॉर्म दिया, वो श्रावक और श्राविका को नहीं दिया। श्रावक को यूनिफॉर्म डिफरेंट दिया, श्राविका को यूनिफॉर्म डिफरेंट दिया, और सम्यक दृष्टि को भी यूनिफॉर्म डिफरेंट दिया। कितने हैं परमात्मा के संग में? अब तक तुम्हारे दिमाग में थे चार, कितने थे तुम्हारे दिमाग में? साधु, साध्वी, श्रावक, रॉ मटेरियल, सम्यक दृष्टि। जो भगवान महावीर पर आस्था रखते हैं, जो भगवान महावीर के धर्म पर आस्था रखते हैं, जो भगवान महावीर के वाणी पर आस्था रखते हैं, जिन्होंने भगवान महावीर को अपने देव, गुरु और धर्म के रूप में स्वीकार किया, ऐसे जो लोग थे, लेकिन जिन्होंने कोई पचकान नहीं लिया लेकिन मेंबरशिप ली। बात को समझाऊं या समझ गए? एक जनरल मेंबर होता है, एक कार्यकारिणी मेंबर होता है, एक कैबिनेट में होता है, वैसे प्रभु के संग में जनरल मेंबर सम्यक दृष्टि, कार्यकारिणी मेंबर साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका, कैबिनेट मेंबर चंदन वाला और गंधर्व। तो परमात्मा ने केवल साधु साध्वी की व्यवस्था करी, सम्यक दृष्टि की व्यवस्था नहीं करी। सतीश जी, करी होगी नहीं करी होगी? करी होगी, वो कहां खो गई? कुछ तीखा बोलू तो सुन लोगे ना? जो अपनी बाप की पूंजी संभाल कर नहीं रखे, उस बेटे को क्या कहना? और जिसको खोई हुई पूंजी का एहसास भी नहीं हो, जिसने खोई उसको कम से कम एहसास तो हो कि मैंने कुछ खोया है, और जिसको एहसास भी नहीं हो मैंने कुछ खोया है, उसकी संभलने की कोई संभावना? कम से कम जिसको खोई हुई का एहसास हो जाए वो वापस खो सकता है, जिसको खोने का एहसास भी नहीं हो वो खोज भी नहीं सकता है। शासन कथा इसलिए है,
कि हमने क्या क्या खोया ये पता चल जाए, तो उसकी खोज की जा सके। क्या क्या खोया है हमने, क्या मजा आ जाए, क्या मजा आ जाए कि आप कहीं पर भी खड़े रहो, आपकी बेटी, आपकी पोती, आपका पोता, आपका बेटा कहीं पर भी खड़े हो जाए और पता चल जाए कि भगवान महावीर के साथ जुड़ा हुआ है। जय जिनेन्द्र होगा नहीं होगा? अरे किसी परंपरा का संत आपको दिख जाए तो मथिनवंदा में होता है नहीं होता है, उसका नाम पूछते हो क्या? उसके गुरु का नाम पूछते हो क्या? नथिंग। एक रास्ते पर चलता हुआ कोई भी जैन श्रमण नजर आ जाए, बहुत ज्यादा तुम सांप्रदायिक होंगे तो हाथ नहीं जोड़ोगे, लेकिन मन में तो भाव आएगा कि ये अपना संत है। और कितना ही सांप्रदायिक हो गया और किसी संत का रास्ते में एक्सीडेंट हो गया तो दौड़ करके जाएगा कि नहीं जाएगा? और उसके पास ड्रेस नहीं होता तो जाएगा? वैसे ही यदि जैनियों की पहचान हो जाए, जैनी के पास जैनतों की पहचान हो जाए, तो जैन कहीं पर भी खड़ा रहेगा तो उसके मदद के लिए जैन दौड़ करके आएगा। पता तो चलना चाहिए कि मेरा भाई है, ये मेरी बहन है। लोगे लिंग पवयनम, लोक में लिंग का प्रयोजन है, लोग में पहचान का मतलब है, उसका मीनिंग है। बिना पहचान के समाज नहीं चलता है। इसलिए आप देख सकते हो, एक सिख पर कुछ भी हो जाए तो दूसरा सरदार जी दौड़ा जाएगा, एक मुस्लिम पर भी कुछ हो जाए तो दूसरा दौड़ा जाएगा, एक क्रिश्चियन पर भी कुछ हो जाए तो दूसरा दौड़ा जाएगा। हम मालूम ही नहीं पड़ता कौन है, और मैं गारंटी से कहता हूं मालूम पड़ेगा तो जैन भी दौड़ करके जाएगा। लोके लिंग पवोयनम, परमात्मा ने संघ व्यवस्था दी, साधु को ड्रेस कोड दिया, साध्वी को ड्रेस कोड दिया, और उसी ड्रेस कोड को 11 गंधर्वों ने इंद्र से ग्रहण किया। क्या नजारा एक सामने, एक पल के लिए नजारा सामने लाओ, है ना? 4,400 दीक्षा एक साथ, 4,400 व्यक्ति एक साथ ड्रेस परिवर्तन करके, पुराना वेश छोड़ करके, जो आए थे ब्राह्मण के वेश में, जो आए थे यज्ञ से उठ करके, जनेऊ पहन करके, पता नहीं क्या क्या लेकर के आए थे, और पास उन सारों ने अपना ड्रेस चेंज कर लिया। नजर उठा करके देखो चंदन बाला के जत्थे के तरफ, वो आई होगी पता नहीं कौन सी साड़ियां पहन करके। और जैसे प्रभु ने कहा कि श्रमणी के लिए ये वस्त्र व्यवस्था है, श्रमण के लिए ये वस्त्र व्यवस्था है, श्रमणी के पास रजोरहन होना चाहिए, श्रमण के पास रजोरहन होना चाहिए, ये उपकरण थी। एक दृश्य आंखों के सामने लाओ कि 4,400 एक साथ वोगे रजोरंग को ग्रहण कर रहे हैं। मुपत्ति को ग्रहण कर रहे, कपड़े बदल गए, और कपड़े क्या बदल गए, रुपड़ा ही बदल गया। और मुझे आज तक समझ में नहीं आया, तुम लोग शादी में जाते हो कपड़े बदल के जाते हो, दुकान के ड्रेस से उठ करके तुम शादी में? अरे जितनी शादी की कीमत करते हो उतनी तो धर्मस्थान की करो। पाप स्थान पर जाने के लिए तुम ड्रेस तय कर चुके हो, धर्मस्थान पर आने के लिए ड्रेस तय होना चाहिए नहीं होना चाहिए?
मैं चेन्नई था और चेन्नई के मंदिरों में वहाँ के युवकों ने एक सुंदर अभियान चलाया, एक अनूठा अभियान चलाया कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन बच्चों को संडे के दिन श्रावक की वेशभूषा में मंदिर में जाना है, ऐसा नहीं जाना है। कैसे जाना है? हाँ, वह उनकी धोती ऊपर का चोला, उस चोले के साथ दर्शन को जाना है। और मैंने देखा है बच्चे उस ड्रेस के साथ क्या खुशी खुशी जाते हैं, और एक बार उस ड्रेस से मोहब्बत हो गई तो प्रभु के संग से मोहब्बत हो ही जाएगी। इसलिए परमात्मा ने कहा, लोगे लिंग पवो यनम। इस संसार में इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए ड्रेस कोड अनिवार्य है। 22 तीर्थंकरों के धर्म संघ में ड्रेस कोड नहीं था। दूसरी व्यवस्था परमात्मा ने दी साधु साध्वी श्रावक और श्राविका के लिए। क्या व्यवस्था दी बोलोगे? उभय काल प्रतिक्रमण। क्या व्यवस्था दी? सूर्योदय के समय में, सूर्योदय के सम पहले प्रतिक्रमण शुरू हो जाए, सूर्योदय के समय में नए सूर्योदय के साथ, नए पचकान के साथ दिन की शुरुआत हो जाए। दिन का कचरा दिन में साफ हो जाए, रात का कचरा रात में साफ हो जाए। डेली ऑडिट, नॉट वन टाइम्स बट टू टाइम्स। और परमात्मा ने नियम लगाया, श्रावक श्राविका साधु साध्वी को अवश्य करनी ज्योति अवसगम, जिसको करे बिना ऑप्शन नहीं, उसको कहते आवश्यक सूत्र, करना ही होगा। नौकारसी करो या नहीं करो, उपास करो या नहीं करो, स्वाध्याय करो या न करो, ऑप्शन है। लेकिन आप प्रतिक्रमण करने का ऑप्शन नहीं है। क्यों मैं शासन कथा कर रहा हूं? ध्यान में आ रहा है ना? कहां से व्यवस्था बनेगी? केवल ड्रेस कोड नहीं दिया, एक डिसिप्लिन भी दी। केवल ड्रेस कोड देते हैं तो भोंदूगिरी हो जाती है, केवल ड्रेस कोड देते तो भोंदूगिरी दे देती, ड्रेस कोड के साथ डिसिप्लिन भी दी। ये डिसिप्लिन है कि तुमने उभय काल प्रतिक्रमण करना है। दूसरा नियम दिया चौकाल सज्जायम, साधु साध्वी के लिए नियम दिया 24 घंटे में 4 बार स्वाध्याय करना है। ए डिसिप्लिन। पहला सूत्र था संघ व्यवस्था को संगठन के लिए, एक समाज में पहचान बनाने के लिए। दूसरा सूत्र था साधना की व्यवस्था बनाने के लिए, और तीसरा सूत्र था निरंतर अपडेट होना चाहिए, निरंतर ज्ञान बढ़ना चाहिए, एक दिन भी ऐसा नहीं जाना चाहिए कि स्वाध्याय न हो। और इसलिए आगे बात आएगी, प्रभु के संग में श्रावक ऐसे थे, प्रभु के संग में श्रावक ऐसे थे कि दूसरे धर्माचार्य को निरुत्तर कर देते थे। शंख मुदगल पुष्कर, एक एक ऐसे श्रावक ज्ञाता थे कि उनके सामने कोई दार्शनिक आकर के खड़ा हो जाए तो उसके पास जवाब नहीं रहता था। उनको पता था कि परमात्मा की फिलॉसफी क्या है, नव तत्व क्या है, षड्द्रव्य क्या है, सारी जानकारी
श्रावकों को थी, श्रविकाओं को थी। क्यों? कि वे स्वाध्याय कंपलसरी करते थे। आइए, शासन स्थापना का तीसरा सूत्र आपके पास आ चुका है। पहला प्रतिक्रमण ऑब्जर्वेशन, सेकंड क्षमापणा, और तीसरा संघ व्यवस्था, और चौथा कलाएगा, और उसके बाद फिर परमात्मा का आपापा नगरी से विहार होगा। अभी प्रभु कहां पर है? आपापा नगरी में है ना। बस थोड़ा सा कल्पना करो कि जिस बात को आपके पास पहुंचाने के लिए कितने दिन हो रहे हैं आप? 20 दिन हो रहे हैं। और ये सारी बात परमात्मा ने कितने देर में करी? एक प्रहर। कितने प्रहर में? एक प्रहर में। दूसरे प्रहर में गंधर्व ने, कैसे गंधर्व बनते हैं वो बात आनी है। वो कोई हार पहना दिया, सभापति बन गए? नहीं, गंधर्व के दायित्व का निर्धारण किया। कैसे सुधर्मा स्वामी को चुना गया? क्यों चुना गया? किस लिए चुना गया? और डे वन से सुधर्मा स्वामी को एक ड्यूटी दी गई कि सुधर्मा स्वामी की जो मेमोरी थी वो फोटो मेमोरी थी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानक वासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मा समिति, महावीर भवन, इंदौर।